बड़िया संगतों के सवाल ने कि चुपहरा साहब की संपूर्णता तो बाद असी हुक्मनामा कि लीए जी। संगत जी पहली गल तो यह है कि हुक्मनामा हमेशा गुरु ग्रंथ साहब के विचों ही लिता जाता है। गुरु ग्रंथ साहब तो इलावा किसी होर पोथी दे विचो जा गुटका साहब दे विचो असी हुक्मनामा नहीं ले सकते। जे तो साढ़े घर विच गुरु मालक जी के सरूप है फिर असी गुरु मालक जी दे रुमाला साहब नू चुके असी हुक्मनामा ले सकते हैं। पर संगत जी याद रखियो, पर जे साढ़े घर दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब मालक नहीं है फिर नाल दे किसी गुरद्वारा साहब विच जाके असी हुक्मनामा ले सकते हैं। पर जे ये दोनों चीज़ा साढ़े को नहीं है, ना घर विच गुरु मालक जी का सरूप है, ना साढ़े नेड़े किते गुरद्वारा साहब है, फिर सतगुर जी की बाणी का असी हुक्मनामा सुन सकते हैं। गुरु मालक जी का हुक्मनामा सुन के असी अपने चुपहरा साहब नू संपूर्ण कर सकते हैं। गुरु मालक जी के चरणों अरदास बेनती कि सतगुर कृपा करके आप सब संगतां दे सिर ते बाबा दीप सिंह जी मीर भरिया हथ रखे, सतगुर सारिआं दी झोलियां खुशियां नाल भर देवे।